जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री महावीराय नमः, जय श्री परम्पराचार्य गुरवे नमः, जय श्री उमा स्वामी गुरवे नमः, जय श्री शांति सागर गुरवे नमः, जय श्री विद्यानंद गुरवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूप्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। तत्वार्थ परम मांगल्य ग्रंथ है आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा। यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है, संस्कृत की भाषा है, 10 अध्याय विभाजित है, 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग 8वां अध्याय देख रहे थे, जिसमें सूत्र नंबर 11वां पढ़ रहे थे। नाम कर्म के जो उत्तर भेद हैं उनकी प्रगतियों की यहाँ पर चर्चा चल रही थी। आपने अपनी जनवाणी में यह सूत्र निकाल रखा होगा। आइए एक बार उच्चारण करते हैं, हम बोलते हैं, आप बड़े ध्यान से इसको सुनना। गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोक्षवास विहायोगत्या प्रत्येक शरीर त्रश सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थरादेय यशः कीर्ति क्षेत्राणि तीर्थकरत्वं च। यह सूत्र का उच्चारण हुआ। अपन ने गति जाति और शरीर इन तीनों के बारे में कल जानना था। आइए आज जानते हैं अंगोपांग नाम कर्म। देखिए यहाँ लिखा है अंगोपांग नाम कर्म, परिभाषा लिखी है, जिसके उदय से हाथ पैर आदि अंग तथा नाक आदि उपांग की रचना होती है उसे अंगोपांग नाम कर्म कहते हैं। इसमें दो शब्द हैं, एक अंग और दूसरा उपांग। जैसे ये हाथ है, ये हाथ तो हो गया अंग, और इसमें जो ये उंगलियां बनी हुई हैं इसे कहेंगे अपन उपांग, ठीक है ना। ये पूरा ये जो है ये मस्तक पूरा जो है, पर इसमें जो आंख बनी है नाक बनी हुई है तो ये क्या हो जाएंगे उपांग। मस्तक पूरा जो हो गया वह तो हो गया अंग, आंख नाक कान आदि जो है वो हो गए उपांग। तो इस प्रकार से अंग की रचना और उपांग की रचना, इन दोनों की जो रचना जिस कर्म के उदय से होती है उसे अंगोपांग नाम कर्म कहते हैं। कितने भेद होते हैं? इसके 3 भेद होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है औदारिक वैक्रियक और आहारक, ठीक है। औदारिक अंगोपांग नाम कर्म, वैक्रियक अंगोपांग नाम कर्म और आहारक अंगोपांग नाम कर्म। तेजस और कार्मण अंगोपांग नहीं होते हैं, क्योंकि तेजस का कोई अंग नहीं कोई उपांग नहीं, ठीक है ना। तेजस का ना ही कोई कार्मण का भी ना ही कोई अंग और ना ही कोई उपांग। ये 3 शरीर ही हैं जिसके अंग भी होते हैं और उपांग भी होते हैं। तेजस शरीर कैसे होगा, कार्मण शरीर कैसे होगा? मतलब जैसे अपन ने एक मिट्टी का लौंदा बना दिया, ठीक है ना। अब उसमें ना हाथ है ना पैर है ना मस्तक है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ना अंग है ना उपांग है। जब अंग भी नहीं है तो उपांग भी नहीं है। अब उसका अपन ने सिर बना दिया, उसके पैर एर बना दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या निकल गए, अंग निकल गए। अब अंग में और चेहरे में भी अपन ने क्या ना, उसमें चेहरे में आंख नाक कान बना दिए, उसकी उंगलियां बना दी, पैर की उंगलियां बना दी, तो क्या बन गई है फिर ये उपांग। तो इस प्रकार से अंग और उपांग की रचना होती है, वो 3 शरीर में होती है, तेजस शरीर और कार्मण शरीर में अंगोपांग का की रचना नहीं होती है, इसलिए वहां पर अंगोपांग नाम कर्म का उदय भी नहीं पाया जाता है। धावला में आचार्य वन कहते हैं जिस कर्म स्कंद के उदय से शरीर के अंग और उसके उपांग की निष्पत्ति होती है
उत्पत्ति होती है उसे अंगोपांग नाम कर्म कहते हैं। राजवार्तिक में आचार्यवर्ण ने कहा है जिस कर्म के उदय से सिर पीठ जांग बाहु उदर नल हाथ पैर इन 8 अंगों की क्या होती हो रचना होती हो तथा ललाट नासिका आंखें अंगुली आदि उपांगों की रचना होती हो उसे अंगोपांग नाम कर्म कहते हैं। इसके 3 भेद तो आपने जान ही लिए। 3 भेद में अपना परिभाषा क्या बनाएंगे? जिसके निमित्त से औदारिक शरीर में अंगोपांग की रचना होती हो उसे औदारिक अंगोपांग नाम कर्म कहेंगे। जिसके निमित्त से वैक्रियक शरीर में अंगोपांग की रचना होती हो उसे वैक्रियक नाम कर्म वैक्रियक अंगोपांग नाम कर्म कहते हैं। और जिस कर्म के उदय से आहारक शरीर में अंगोपांग नाम कर्म की रचना हो उसे आहारक शरीर अंगोपांग नाम कर्म कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ तीनों की ये ऐसी परिभाषा समझना, ठीक है ना। जैसे औदारिस में मनुष्य और त्रेंच हैं तो उनके अंगोपांग आपने देखे होंगे, पैर हाथ आदि आंख नाक आदि। इसी प्रकार से देव पर्याय में देखिए तो देव में भी उनका शरीर और उनके आंख नाक कान आदि साक्षात तो आपने नहीं देखे होंगे लेकिन चित्त वगैरह में आपने देखे होंगे। और ऐसी प्रकार से नारकियों के भी, ठीक है ना। तो संसार में ऐसा कोई जीव ना हो नहीं है जिसके अंगोपांग नाम कर्म का उदय ना हो, क्योंकि चारों गतियों में ही अंगोपांग नाम कर्म का उदय होता ही होता है। अब शरीर में 8 अंग होते हैं और अनेक उपांग होते हैं। 8 अंग कौन कौन से होते हैं तो जानते हैं। शरीर में जो मूर्धा जो स्थान है, मस्तक जो स्थान है, कपाल स्थान है, ललाट स्थान है, शंख है, भौं है, कान है, नाक है, आंख है, अक्षिकूट है, हनु है, कपोल है, ऊपर के नीचे के ओष्ठ है, ये सभी जो है जैसे तालु है, जीभ है, ये सभी उपांग है। क्या है? ये सभी उपांग हैं। और जो अंग हैं वो 8 होते हैं। क्या होते हैं? 8 अंग होते हैं। 2 हाथ, 2 पैर, नितंब, पीठ, हृदय और मस्तक। जो वहां पे हमने मस्तक बताया वो मूर्धा भाव को बताया है, कपाल भाव को, जो कपाल है उसकी बात कही थी उपांग में। यहाँ पे 2 हाथ, 2 पैर, नितंब, पीठ, हृदय और मस्तक, ये 8 अंग होते हैं मेन। और इन्हीं 8 अंगों के आसपास जो है जो उपांग आदि होते हैं। तो इस प्रकार से अंग और उपांग की जो रचना जिसके कारण होती है आचार्य भवन उसे अंगोपांग नाम कर्म कहते हैं। अब आप सोचिए यदि किसी जीव का अंगोपांग नाम कर्म का ना उदय हो तो उसका शरीर कैसे होगा। मान लो कोई मनुष्य है, अब मनुष्य का अंगोपांग नाम कर्म का ना उदय हो तो उसके ना 2 हाथ होंगे, यदि अंग का उदय ना हो तो 2 हाथ भी नहीं होंगे, 2 पैर भी नहीं होंगे, मस्तक भी नहीं होगा, पीठ भी नहीं होगा, नितंब भी नहीं होगा। तो फिर होगा क्या? जैसे मिट्टी का एक लौंदा रख दिया बना करके, बिल्कुल वो होगा बस, ठीक है ना। तो उसमें कुछ नहीं है, ना हाथ है, ना पैर है, ना कुछ भी नहीं है। एक ऐसे अपन मिट्टी का बनाओ, गोल बनाओ, आड़ा बनाओ, कैसे ही बनाओ और उसको लाके उठा के रख दो, ठीक है ना। जैसे अपन आटा करते हैं तो आटा को साना और उसको अपन उठा के ऐसे रख दो तो क्या होगा? वो शरीर हो जाएगा। पर ऐसा देखा नहीं जाता है, अपन देखते हैं। इसकी सिद्धि भी है कि लोगों के हाथ भी दिखते हैं, पैर भी दिखते हैं, तो अंग तो है ही हैं। और अंग के साथ साथ उनके उपांग भी दिखाई देते हैं कि आंख नाक कान भी दिखते हैं, जिभ्या भी दिखती है, ओंठ भी दिखते हैं, तो ये उपांग भी दिखते हैं। तो इसका मतलब अंग भी है और उपांग भी है। और यदि दोनों नहीं होंगे तो बिल्कुल कोई जीव किसी जीव को एक दूसरे का सहायक भी नहीं हो पाएगा, सहायता भी नहीं कर पाएगा। जब हाथ पैर ही नहीं होंगे तो अब आपको भूख लगी तो भोजन कौन बनाएगा फिर? और फिर बना भी दे कोई तो भोजन कैसे करोगे फिर आप, जब आपके हाथ पैर ही नहीं होंगे, मुख भी नहीं होगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं बन सकती है, नहीं बन पाती है। इसलिए अंगोपांग नाम कर्म का उदय नियम से होता है। ये बिल्कुल ध्यान रखना, वनस्पति में भी अंगोपांग नाम कर्म का उदय है। और यदि आप बोले पत्थर में,
तो पत्थर में तो हाथ पैर नहीं है, लेकिन वो उस रूप ही उनके अंगो पांग होते हैं। अब पत्थर भले गोल गोल हो, आड़ा तिरछा हो, लेकिन उसके भी अपने अंगो पांग नाम कर्म के उदय होते होते हैं, जो अपन को दिखते नहीं है, अपन पता नहीं कर पाते हैं, लेकिन अंगो पांग नाम कर्म का उदय उनका भी होता ही है। ठीक है ना। इस प्रकार से यहां पर जो अंगोपांग नाम कर्म की परिभाषा और उसके भेदों को अपन ने जाना। अब देखते हैं निर्माण। निर्माण, अब ये शरीर का निर्माण कैसे होता है, तो निर्माण की प्रक्रिया को भी हमें यहां पर जानना चाहिए। निर्माण नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जो जाति कर्म के अनुसार इंद्रियों का आकार प्रकार तद तद स्थान पर जहां पर उनका स्थान होना चाहिए वहां पर उनका निर्माण हो, इसे निर्माण नाम कर्म कहते हैं। यह कर्म का उदय तो है ही है। और जैसे अपन ने पीछे जाति नाम कर्म देखा था, तो जाति नाम कर्म के अनुसार, जाति नाम कर्म के अनुसार मतलब क्या है, जैसे कोई पांच इंद्रिय का जीव है तो उसे पांच इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है, तो पांच इंद्रिय नाम कर्म के उदय से उसके स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत है, इनकी द्रव्य इंद्रियों का निर्माण होना है। तो निर्माण कैसे हो, किस प्रकार से हो और कहाँ पर हो, इसका काम जो है वो निर्माण नाम कर्म का है। उदय होना एक अलग है कि पांच इंद्रिय जाति नाम कर्म का हमारा उदय हो गया, चलो भाई हो गया तो क्या करें, निर्माण कौन करेगा, बनाएगा कौन, पैसा तो आपके पास हो गया, मकान कौन बनाएगा, तो मकान बनाने वाले भी तो चाहिए ना, और मकान भी कैसा और कहाँ, कैसा और कहाँ, कैसा मतलब जैसा बनाना चाहते हैं वैसे ही बने, और जहां बनाना चाहते हैं वहां ही बने, अपने आप अलग ढंग बेढंग से न बन जाए, अपनी अपनी जाति कर्म के अनुसार। अपनी जाति कर्म के अनुसार मतलब क्या है, त्रिरंचो में नाग कैसे बनती है, मनुष्यों में कैसे बनती है, देव में कैसे और नारकी में कैसे, इसी प्रकार से मुख आंख नाक कान हाथ पैर अंग उपांग आदि जितने भी शरीर के हैं उनका त्रियंचों में कैसे बनता है, मनुष्यों में कैसे बनता है, देवों में कैसे और नारकी में कैसे, तो उसी प्रमाण से बनना। ठीक है ना। और यथा स्थान में बनना, यहाँ वहां नहीं बनना कि नाक यहाँ बनना चाहिए और नाक यहाँ बन जाए या पीछे बन जाए, आंख यहाँ पर एक आंख यहाँ बन जाए एक आंख पीछे बन जाए, ऐसा भी नहीं, जहां जो स्थान है उसी स्थान में उसकी रचना होना और प्रमाण रूप से होना, ये निर्माण नाम कर्म का होता है। तो इसमें एक जाति नाम कर्म तो लगता ही लगता है कि जाति नाम कर्म के उदय से जिस जीव को जितनी इंद्रियां प्राप्त हुई हैं उस इंद्रियों के अनुसार ही जीव के उन इंद्रियों का आकार प्रकार बनना, तद तद स्थान पर उनकी रचना होना, ये निर्माण नाम कर्म के कारण होती है। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, जिस कर्म के उदय से जीवों के जो हैं दोनों प्रकार से, कितने प्रकार से, दोनों प्रकार से, प्रमाण निर्माण नाम कर्म और स्थान निर्माण नाम कर्म, दो ध्यान रखना, प्रमाण और स्थान। जैसे ये प्रमाण हो गया, जितना का जितना प्रमाण है ये प्रमाण हो गया, और स्थान मतलब इसी स्थान में बनना, इस स्थान पे नहीं बनना, नाक यहाँ हो जाए कान यहाँ हो जाए ऐसा नहीं, तो यथा स्थान में बनना। तो इस प्रकार से जिस कर्म के उदय से जीवों के दोनों प्रकार के निर्माण होते हों, ठीक है, प्रमाण रूप भी स्थान रूप से निर्माण होते हों, उस कर्म की निर्माण संज्ञा हुआ करती है। मूलाचार में आचार्य उन कहते हैं नियत निश्चित मान माप को निर्माण कहते हैं। नियत मतलब निश्चित और मान मतलब माप को निर्माण कहते हैं। जो निश्चित माप है उसे निर्माण कहते हैं। और जिस कर्म के उदय से दोनों निर्माण होते हैं वह निर्माण नाम कर्म कहलाता है। अब ये निर्माण नाम कर्म जो है वो दो प्रकार का अपन लिख लेंगे अपनी डायरी में, पहला प्रमाण निर्माण नाम कर्म और दूसरा स्थान निर्माण नाम कर्म। ठीक है, कितने प्रकार का, दो प्रकार का। जो पहला है प्रमाण प्रमाण नाम कर्म,
प्रमाण निर्माण नाम कर्म कैसा है? जाति नाम कर्म की उदय की अपेक्षा नेत्रादि का आश्रय करके यथा प्रमाण हो वह प्रमाण निर्माण नाम कर्म है। उसमें जाति की अपेक्षा लगा लेंगे, कौन जीव किस जाति का है, उस अपेक्षा से नेत्रादि की जो वहां पर प्रमाण रूप से रचना होती है वह प्रमाण निर्माण नाम कर्म कहलाएगा। हरिवंश पुराण में लिखा हुआ है, जाति नाम कर्म की सहायता से नाक कान आदि की योग लंबाई चौड़ाई आदि का प्रमाण लिए रचना करता है सो प्रमाण निर्माण नाम कर्म है। अपनी अपनी जाति में जैसे कि घोड़ा है तो घोड़े का मुख कैसे है, गाय का मुख कैसे है, मनुष्य का मुख कैसे है, तो उसी मुख रूप अंग की और उपांग की निर्माण प्रमाण रूप से रचना होना इसे प्रमाण निर्माण नाम कर्म कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा दिया है स्थान निर्माण नाम कर्म। जाति नाम कर्म की उदय की अपेक्षा नेत्रादिक जिस स्थान पर होने चाहिए उसी स्थान पर हो वह स्थान निर्माण नाम कर्म कहलाता है। आचार्य वन ने हरिवंश पुराण में कहा है कि जाति नाम कर्म की उदय की सहायता से जो नाक कान आदि का योग स्थान में निर्माण करता है वह स्थान निर्माण नाम कर्म कहलाता है। योग स्थान पर जहां उसको वो बनता है, जहां होना चाहिए उसी योग स्थान पर उसकी जो रचना होती है उसमें निर्माण नाम कर्म है। आप सोचिए एक शरीर की रचना के लिए कितने कर्मों का उदय होता है, कितने सारे कर्म कारण वर्गणाएं होती हैं, कितने सारे वर्गणाएं होती हैं जिसके निमित्त से यह शरीर की क्या होती है, रचना होती है। ऐसी ऐसी आहार वर्गणा जो हैं जिसके कारण इस शरीर का निर्माण होता है और उसमें बहुत सारे कर्मों का इसमें देखा जाता है सानिध्य। इस प्रकार से यहाँ पर दो प्रकार के निर्माण की अपन ने चर्चा करी। इसका सामान्य सा अर्थ यही हो गया, शरीर के निर्माण में जो प्रमाण रूप और स्थान रूप से जो कारण बनता है मतलब अंगोपांग आदि बनाने में वह उसे निर्माण नाम कर्म कहते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी, अंगोपांग नाम कर्म के उदय से हमारे आंख नाक कान आदि तो बन जाते हैं, तो फिर हमें निर्माण नाम कर्म की क्या आवश्यकता है, कृपया समाधान करें गुरुदेव। देखिए अंगोपांग नाम कर्म के उदय से तो शरीर में दो हाथ दो पैर मस्तक पीठ नितंब आदि की रचना तो हो गई और उसी के अनुसार उपांग की रचना भी हो गई, उंगलियों की आंख की नाक की और कान की। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो निर्माण नाम कर्म है उसकी आवश्यकता क्यों है इसे जानिए। जैसे देखिए ये हाथ है, हाथ में उंगलियां भी हैं और पूरा हाथ भी है। ठीक है ना, यदि निर्माण नाम कर्म ना हो तो हो सकता है उंगलियां जो हैं बिल्कुल लंबी होकर के आकाश तक पहुंच जाए और ये हाथ भी बिल्कुल पूरे तीन लोक तक पहुंच जाए, अथवा इतना छोटा सा हो जाए और उंगलियां बिल्कुल छोटी छोटी सी उंगलियां हो जाए जैसे कि बिल्ली की होती है चूहों की होती है, ऐसी रचना हो जाए तो क्या होगा। इस प्रकार से ये जो रचना है बिल्कुल प्रमाण रूप से कितना हाथ है कितनी उसकी उंगलियां हैं थोड़ा बहुत छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन यदि प्रमाण निर्माण नाम कर्म नहीं होगा तो वो प्रमाण रूप से निर्माण नहीं होगा, या तो बहुत बड़े होते होते जाएंगे या बहुत छोटे से हो जाएंगे। तो शरीर में जो अंगोपांग हैं उनका यथा प्रमाण यथा माप और यथा स्थान में होना, जैसे हाथ है यदि यहाँ तो यहाँ ना होकर के यहाँ बन जाए यहाँ लग जाए हाथ और यहाँ से निकलने लग जाए मस्तक से मैं हाथ लग जाए मस्तक से काम स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा, बड़ा अजीब सा लगेगा ना। तो ऐसा नहीं, यथा स्थान में भी होना और यथा प्रमाण भी होना इसे कहते हैं निर्माण नाम कर्म। इसलिए इस निर्माण नाम कर्म की आवश्यकता है। अंगोपांग तो सिर्फ उसने अंग और उपांग की रचना कर दी है पर उस रचना में भी जो है प्रमाण रूप से होना चाहिए ना और यथा स्थान रूप से होना चाहिए, इसलिए इसकी यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। यदि इसका कर्म का उदय ना हो तो बस शरीर बिल्कुल बेढंग का हो जाएगा, अंगोपांग आदि जो हैं वो बेढंग से हो जाएंगे और इतने बेढंग हो जाएंगे
ना देखने में अच्छे लगेंगे और ना ही इनसे कार्य आदि काम आदि भी हो पाएगा। अब आप सोचिए, यदि आपका हाथ 1 किलोमीटर लंबा हो जाएगा और आपका शरीर जो है 3 फुट का ही रहे, तो आप कैसे भोजन करेंगे, कैसे कार्य कर पाएंगे, कैसे चल पाएंगे, कैसे उठ पाएंगे। ऐसे ही आपका एक पैर तो बहुत लंबा हो जाए और एक पैर बहुत छोटा सा हो जाए, तो वह कैसे कार्य कर पाएंगे, तो बहुत मुश्किल सा हो जाएगा। इसलिए निर्माण नाम कर्म जो है, यह है यथा प्रमाण और यथा स्थान जो है अंग उपांग आदि की रचना में सहायक बनता है। जैसे जैसे जीव का, जिस जाति का, जैसा जैसा कर्म इंद्रियों का उदय है, वैसा वैसा तद स्थान पर उसी रूप की रचना कराने में करने में कारण जो बनता है वो निर्माण नाम कर्म होता है। अब आगे कर्म देखते हैं सूत्र में, बंधन नाम कर्म, और इसमें एक और जोड़ लेते हैं संघात नाम कर्म, क्योंकि दोनों की परिभाषा समझ लेंगे तो एक साथ समझ में आ जाएगी। बंधन नाम कर्म और संघात नाम कर्म यहाँ लिखा हुआ, देखिए, बंधन नाम कर्म और संघात नाम कर्म, क्या दोनों में अंतर है। बंधन नाम कर्म कह रहे हैं शरीर के परमाणु छिद्र सहित इकट्ठे बंधे हों, छिद्र सहित इकट्ठे बंधे हों, उसे क्या कहेंगे, बंधन नाम कर्म। और संघात नाम कर्म में क्या है, शरीर के परमाणु छिद्र रहित एकता को प्राप्त हो, छिद्र रहित एकता को प्राप्त हो, उसे कहेंगे संघात नाम कर्म। आप यहां पर देखिए एग्जाम्पल रूप में क्या लिखा है, शरीर बंधन संघात में अंतर, शरीर में, बंधन में और संघात में, इन तीनों में अपन अंतर देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, शरीर क्या है, जैसे ईंट जमाना, अपन दीवार में ईंट जमाते हैं तो छिद्र युक्त हो जाती है ना, वो तो वो ईंट जमाना, ये क्या हो गया, ये शरीर है ईंट जमाना। और उसमें बंधन क्या है, ईंट को गारे से जोड़ना, पहले ईंट जमाया तो ईंट को गारे से अपन जोड़ते हैं, तो ये हो गया बंधन, दोनों को बांध लिया। पहले तो ईंट है, ये शरीर जो है ईंट है, और इसको जमा लिया अपन ने, लेकिन उसमें गारा बीच में लगा दिया, तो हो गया बंधन, ठीक है ना। संघात, उसको सीमेंट से क्या कर दिया, पूरा मजबूत कर दिया, मतलब प्लास्टर कर दिया, तो ये क्या हो गया, संघात। अब वो छिद्र युक्त ना दिखे, ठीक है ना, तो ये हो गया संघात। ये तीनों चीज समझ में आपको आ गई ना, तीनों की दृष्टांत समझ में आ गई। जैसे दीवार बनाने के लिए आप दृष्टांत ले लीजिए, ईंट ईंट जमाना, ये शरीर हो गया, उसको गारे के साथ जमाना, तो ईंट का दूसरी ईंट के साथ बंध हो गया, ठीक है ना, मतलब कि गारे के साथ बंध हो गया, तो ये बंधन हो गया। और वो बंधन भी दिखाई ना दे, उनके छिद्र भी दिखाई ना दे, ऊपर से प्लस्तर हो जाना सीमेंट का, वो कहलाता है संघात। तो इस प्रकार से बंधन नाम कर, संघात नाम कर में ये अंतर समझ में रखना। तो बंधन में तो छिद्र युक्त है और संघात में छिद्र रहित है, ठीक है। ये दोनों से ही शरीर का निर्माण होता है। आप पहले बंधन, पहले शरीर के लिए परमाणु इकट्ठे हुए, फिर वो शरीर बना तो उसमें बंधन युक्त हुआ, और फिर उसमें संघात नाम कर्म से उसमें एक क्या हो गया, बिल्कुल प्लास्टर हो गया। तो इस प्रकार से बंधन की भी आवश्यकता है, संघात की भी आवश्यकता है नाम कर्म की, तभी शरीर जो है अच्छा तैयार होता है। तो ठीक है, बंधन का समझ में आया, छिद्र युक्त जो शरीर है वो बंधन, और जो छिद्र रहित है वो संघात नाम कर्म। तो बंधन नाम कर्म हम समझते हैं, जिस कर्म के उदय से प्राप्त हुए पुद्गलों का अन्योन परस्पर में आपस में प्रदेश संश्लेष जिसके निमित्त से होता है, वह बंधन नाम कर्म होता है। जो भी अयोग्य पुद्गल परमाणु इकट्ठे हुए हैं, उनका आपस में परस्पर में जो संश्लेष जो संबंध हो जाता है, प्रदेश संश्लेष हो जाता है, उसको ही यहाँ पर बंधन नाम कर्म लेते हैं। जैसे कि बालू का है, बालू बालू है, उससे आपने ढेर से एक कोई आकार बनाया, शरीर बनाया, आंख नाक कान सब बनाया, शरीर बनाया, पूरा बना दिया बालू का जो ढेर है, तो वो कैसा ढेर है, एक एक परमाणु उसके अलग अलग हैं, और उस ढेर से क्या बोलते कि वो शरीर का बनना, ऐसा उसे बोलेंगे बंधन। क्या कहेंगे, बंधन कहेंगे। और उसमें यदि किसी चीज का लेप हो जाए, कोई केमिकल का लेप हो जाए, तो वो शरीर बिखरेगा नहीं, तो वो हो जाएगा, वो संघात हो जाएगा। तो बंधन में वो छिद्र युक्त है, कैसे है, वो छिद्र युक्त है, वो बिखर सकता है, वो बिखर जाएगा, थोड़ा धक्का लगेगा तो बालू का जो रेत है वो बिखर जाएगी, तो शरीर भी बिखर जाएगा।
तो उसको जो है बांधने के लिए बंधन नाम कर्म तो होता ही हो, लेकिन संघात नाम कर्म क्या होता है, पूरा का पूरा पैक कर देता है। देखिए, यदि बंधन नाम कर्म ना हो तो कैसा होगा शरीर, पहले आप ये समझ लीजिए कि जैसे लकड़ी का ढेर लगा दिया, तो लकड़ी का जो ढेर है वो शरीर में, उसमें बंधन नहीं होने के कारण वो बिखरा हुआ पड़ा रहेगा, ठीक है ना। और उसको यदि अपन ने बांध दिया, रस्सी से बांध दिया, लकड़ी के गट्ठे बनाते हैं ना, तो एक एक लकड़ी इकट्ठे करते गए, गट्ठा बांधता है लकड़हारा, तो ये बांध दिया, अब वो बिखरेगी नहीं, छिद्र युक्त है, आपस में एक दूसरे लकड़ी में छिद्र दिखाई दे रहा है, लेकिन बंधन उसको क्या कर दिया है, बांधने के कारण अब वो बिखर नहीं सकती है। ऐसी हड्डी को एक दूसरे हड्डी से बांध देना, वो नसें जो हैं एक दूसरे से बन जाती हैं, तो वो क्या होती हैं, वो हड्डी यहाँ वहां जाती नहीं है, तो शरीर बिखरता नहीं है, पर छिद्र युक्त रहेगा, वो बंधन है। और ऊपर से संघात में यदि ये चमड़ी है, 7 लेयर है चमड़ी की, वो लग गई तो वो संघात नाम कर्म हो जाता है। इस प्रकार से इन दोनों में इतना अंतर है, इन दोनों की और विशेष कल चर्चा करेंगे, आज स्वाध्याय संपन्न करेंगे। आइए माँ जनमाने की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत होंधो, हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन। आप सभी के सहयोग से तत्वार सूत्र जी की पुस्तकें निरंतर छपती जा रही हैं। तत्वार सूत्र जी के 5वें अध्याय की पुस्तक छप के आ चुकी है तथा 6ठे अध्याय की पुस्तकें छपवाने में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आप सभी जैन पाठशाला का आनंद ले रहे हैं तथा ज्ञानार्जन कर रहे हैं। जैन पाठशाला निरंतर इसी प्रकार चलती रहे, इसके लिए आप जैन पाठशाला के पुण्यार्जक बन सकते हैं। 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अथवा 1 वर्ष के लिए। आपके नाम तथा फोटो पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन। मैं आरती जैन।